बियर डिग्रीन सबका स्वागत है और 2022 की स्टार्टिंग में माइक्रोमैक्स लेके आ गया अपना नया स्मार्टफोन। पिछली बार इन नोट 1 आया था, सबसे पहला स्मार्टफोन ये है इन नोट 2। लिक्विड कूलिंग के साथ में एमोलेड डिस्प्ले और भी काफी सारे नए नए फीचर्स इस फोन में आपको मिल जाएंगे कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। बॉक्स के पीछे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जैसे जैसे हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर का कंटेंट क्या है, फिर बात करेंगे स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की। बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो सिम इजेक्टर पिन, बैक कवर सिलिकॉन का, साथ ही में प्रोटेक्शन प्लान्स की एक लीफलेट, एक क्विक स्टार्ट गाइड और एक सेपरेट स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको यहां पर मिल रहा है। माइक्रोमैक्स हर बार अपने हर फोन में स्क्रीन प्रोटेक्टर तो इंक्लूड कर रहा है, अच्छी बात है। टाइप सी की चार्जिंग सपोर्ट, टाइप ए टू टाइप सी वाली आपको एक केबल मिल जाती है। और अगर मैं चार्जिंग की ब्रिक की बात करूं तो यहां पे आपको इस बार 30 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल रहा है। तो ये है वो स्मार्टफोन जिसका सभी को इंतजार था, मुझे भी था। और ये सबसे पहले यहाँ पे एक प्लास्टिक रैप में लगा हुआ है, जिस रैप को मैं अगर हटाता हूँ तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्टिव फिल्म मिल जाएगी आगे और पीछे पहले से लगी हुई। एक्स्ट्रा प्रोटेक्टर आपको बॉक्स में मिलता है, तो इसको फटाफट से मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और उसके बाद में इसका रियल टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ। वेल डिजाइन इसका इंप्रेसिव लग रहा है, बैक इसकी ग्लॉसी है और साथ में जो बैक कवर मिला है पहले उसको भी एक बार लगा के देख लेते हैं। तो बैक कवर भी यहाँ पे एक सही सी प्रोटेक्शन आपको दे देगा, बैक कवर लगाने के बाद ग्लॉसी इतना नहीं लगता और यहाँ पे जो भी कटआउट्स दे रखे हैं इस बैक कवर में वो प्रॉपर है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जब तक आप दूसरा कवर नहीं लगाते इस कवर से भी आपको अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। फोन की फ्रंट लुक की बात करूं तो पंच होल का डिजाइन यहां पे काफी अच्छा है, पंच होल काफी छोटा है। 6.43 इंचेस की आपको एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगी जिसका रेजोल्यूशन फुल HD है और यहां पे बेजल्स भी ज्यादा नहीं है लेकिन चिन थोड़ी सी है और इस तरह के प्राइस रेंज में जो है ये एक्सेप्टेबल है। पीछे की तरफ में आपको क्वाड कैमरा मिल जाएगा, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। कैमरा का लेआउट फिलहाल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा के सैंपल्स, कैमरा के स्पेसिफिकेशंस की बात इसी वीडियो में आगे हम करेंगे। एमोलेड स्क्रीन मिल रही है इस बार, 550 निट्स की यहाँ पे ब्राइटनेस भी मिल रही है, तो आउटडोर परफॉर्मेंस कैसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, एमोलेड स्क्रीन होने के फायदा भी है यहाँ पे। स्क्रीन की अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूं तो मैंने इसको कई बार मल्टीपल टेस्ट किया, व्यूइंग एंगल्स भी यहाँ पे अच्छे हैं और कलर्स यहाँ पे काफी शार्प जो है वो नजर आते हैं। ट्रिपल स्लॉट यहाँ पे मिलता है जिसमें आप एक माइक्रो एसडी कार्ड, दो नैनो सिम लगा सकते हैं। अगर नीचे में पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और ऑडियो जैक मिलता है। ऊपर की तरफ में आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन के लिए माइक्रोफोन मिलता है, तो अगेन ये एक अच्छी बात है। लेफ्ट साइड में है इसकी सिम ट्रे जो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाई है। राइट साइड में आपको पावर लॉक बटन के साथ ही इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, उसी के ठीक ऊपर वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाएंगी। तो लुक्स और डिजाइन मुझे इसकी काफी ज्यादा पसंद है। अगर इसकी इन हैंड फील की बात करूं, बैक साइड में इसका ग्लॉसी जो है पैनल दे रखा है, ग्लास फिनिश यहाँ पे दे रखी है, लेकिन उस पर फिंगरप्रिंट के स्मजेस भी पड़ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इसका इन हैंड फील है वो मुझे अच्छा लगा। इसका जो ओवरऑल डिजाइन है ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कैमरा का लेआउट काफी ज्यादा बढ़िया मुझे यहाँ पे लगा। इन हैंड फील के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपको ऐसा तो लगेगा कि आपने एक प्रीमियम स्मार्टफोन हाथ में पकड़ा हुआ है। बैक कवर लगाने के बाद भी पीछे का डिजाइन जो है वो एक्चुअली में अच्छा लगता है। माइक्रोमैक्स ने अपनी इन सीरीज के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड दिया है शुरू से, तो इस फोन के अंदर भी आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा। स्क्रीन की क्वालिटी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, स्क्रीन में जो रिस्पांस है टच का वो भी काफी अच्छा यहाँ पे लगा। ओवरऑल स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली स्टॉक एंड्रॉइड मुझे भी पर्सनली काफी अच्छा लगता है। एंड्रॉइड 11 मिल रहा है, एंड्रॉइड 12 का अपडेट जल्दी से मिल जाए तो डेफिनेटली मजा आएगा। बात करें फोन के दिल की तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल रहा है, हीलियो G95 8 कोर्स वाला प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है और इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही में माइक्रोमैक्स ने इस फोन के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन भी दिया है, वाइड 1 L1 को सपोर्ट करता है जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। और यह है इस फोन के गीक बेंच के स्कोर्स। बात करते हैं इसके कैमरा स्पेसिफिकेशंस की। पीछे की तरफ में आपको क्वाड कैमरा मिल रहा है, प्राइमरी कैमरा इसका 48 मेगापिक्सल का F1.79 अपर्चर के साथ में आता है। दूसरा जो कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। उसके अलावा 2-2 मेगापिक्सल के दो कैमरा जिसमें कि एक आपका डेप्थ के लिए है और दूसरा आपका मैक्रो कैमरा है। फोन का बैक काफी ग्लॉसी है और जब लाइट पड़ती है इस पे, जैसे मैं इस समय सनलाइट पे खड़ा हूं, तो यहां पे आपको रिफ्लेक्शन होने की वजह से कुछ पैटर्न यहां पे नजर आता है। मुझे इस फोन की लुक एंड फील काफी पसंद आई, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है।
फ्रंट में इस बार पंच होल काफी छोटा दे रखा है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि यहाँ पे पंच होल डिजाइन इसका डेफिनेटली काफी अच्छा मुझे यहाँ पे लगा। चिन मैंने आपको यहाँ पे देखो क्लोजर लुक में आपको दिखा रहा हूँ, बेजल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा नहीं है, व्यूइंग एंगल काफी अच्छे हैं, एमोलेड स्क्रीन होने के अगेन फायदे हैं, 550 निट्स की ब्राइटनेस है, आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी काफी बढ़िया है, स्क्रीन की परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी है, टच का रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट जो है इसमें लॉक अनलॉक उसका रिस्पॉन्स एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और इस फोन में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। चलिए कैमरा के थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। एआई कैमरा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, जैसे प्लांट्स की फोटो ले रहा हूँ तो प्लांट्स लिखा गया, एचडीआर का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, प्रो मोड यहाँ पे मिल जाता है, प्रोफेशनल मोड, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी अगर वीडियो में जाएंगे तो वीडियो में आपको यहाँ पे फुल एचडी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps में, इसके अलावा आपको यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, और साथ ही में इस फोन के अंदर EIS का सपोर्ट भी है। मैं इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू जल्द लेके आऊंगा। फोटोज यहाँ पे फटाफट से क्लिक हो जाती हैं, फोटोज क्लिक करने में मुझे इस बार काफी अच्छा लगा, फोकस का प्रॉब्लम भी इसमें इस बार नहीं लगा है, तो माइक्रोमैक्स डेफिनेटली इस बार सॉफ्टवेयर पे जो है काम अच्छा किया है। जूम करने के बाद भी यहाँ पे फोटो की क्वालिटी अच्छी लगती है, बैक कैमरा इसका अच्छा है, कैसा परफॉर्म करता है लॉन्ग टाइम में मैं इसका एक डेडिकेटेड रिव्यू जरूर लेके आऊंगा। पोर्ट्रेट मोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नाइट मोड भी मिल जाएगा, बाकी मोर के ऑप्शंस में जाएंगे तो स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइम लैप्स मिल जाएगा, QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मोर के ऑप्शन में जाने के बाद मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, सेल्फी वीडियोस, वीडियो कॉल्स वगैरह लेने के लिए, व्लॉगिंग भी करते हैं तो वीडियोस आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं फुल HD तक। तो फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ आपको इस फोन से खींचे हुए कुछ सैंपल्स, जो कि मैंने शाम को 5:30 बजे के आसपास इंडोर और आउटडोर में खींचे हैं, जिसमें आपको नॉर्मल फोटोज में मिल जाएंगी, और ये पोर्ट्रेट, और अगेन ये इंडोर में आपको एक नॉर्मल फोटो मिल रही है आर्टिफिशियल लाइटनिंग में, ये एक पोर्ट्रेट मोड है। डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू जब मैं इसका करूंगा तो मैं आपको सारी डिटेल्स, इसके कैमरा की क्वालिटी कैसे परफॉर्म करता है वो सब उस वीडियो में बताने वाला हूँ। फोन में 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो आपको मिलने वाला है, साथ ही में इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, जो आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। अगर आप कंटेंट ज्यादा वॉच करते हैं, जो कि आजकल मैक्सिमम लोग करते हैं, तो आपको इस फोन में क्लैरिटी काफी अच्छी मिलने वाली है, कलर्स की क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी मिलने वाली है, तो एमोलेड स्क्रीन यहाँ पे एड ऑन जो माइक्रोमैक्स ने की है उससे आपको डेफिनेटली जब आप कंटेंट वॉच करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे मजा आने वाला है। स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर नहीं है, सिंगल स्पीकर है, क्वालिटी सुनिए। सिंगल स्पीकर है बट लाउड है, स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, बाकी इसमें ऑडियो जैक तो दे रखा है, डबल टैप भी कर सकते हैं इसको ऑफ करने के लिए, लॉक करने के लिए, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। इस फोन की स्क्रीन पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, तो इस बार माइक्रोमैक्स ने गोरिल्ला ग्लास यूज किया है, अगेन अच्छी बात है। ये एक 4G फोन है, ड्यूअल वोल्टी को सपोर्ट करता है, ड्यूअल वो वाईफाई को सपोर्ट करता है, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आपको इस फोन में मिल जाएगा। अगर मैं इसमें स्टोरेज की बात करूं तो इस बार आपको UFS 2.1 स्टोरेज मिल रही है। अब मेरा ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इस स्मार्टफोन का, मैंने इस फोन पे जितनी भी कॉल्स ली, कॉल्स की क्लैरिटी अच्छी है, एमोलेड स्क्रीन है, एक बढ़िया डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है, बड़ा डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है, लुक एंड फील भी मुझे इस फोन की पसंद आई, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है, 5000 mAh की बैटरी है जो कि 70-80 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाती है, और साथ ही में इसके डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। फिलहाल इस फोन में 4GB और 64GB वाला वेरिएंट ही मिलेगा, 2 कलर्स ऑप्शन में अवेलेबल मिलेगा आपको, मेरे पास में ये ब्लैक है, एक ब्राउन कलर ऑप्शन आपको और मिल जाएगा। फिलहाल में फर्स्ट इंप्रेशन इस फोन के साथ में मेरा काफी अच्छा रहा, बाकी लॉन्ग टर्म के बारे में मैं इसका एक रिव्यू भी लेके आऊंगा। आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। फोन की प्राइस की डिटेल मैंने टाइटल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। मैं अगले वीडियो में लूंगा कुछ और नए टेक के साथ।